वीडियो देखो फिर कमेंट करना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बांग्लादेश के हिंदुनिज्म पर जो जुल्म, अगर ये मुसलमान बांग्लादेशी ढा रहे और इंडिया अगर खामोश है तो मैं इंडिया की बुजदिली बोलूंगा। आई एम इंडियन मुस्लिम, बांग्लादेश के हिंदुनिज्म हिंदू भाइयों के साथ हूं। इस देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहूंगा कि तुमने लाखों करोड़ों अरबों रुपए का अगर वेपन ले आया ना, अक्का बांग्लादेश के गांड में घुसाने का। बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ हम नहीं है, हम ऐसे जालिम मुसलमानों का साथ कभी नहीं देंगे जो साले हिंदुनिज्म और इंसानियत की कत्ल के लिए आगे बढ़ते। गांड फाड़ो इनकी। अगर जो मुसलमान मर्दे मुजाहिद मेरे नबी का चाहने वाला होगा वो बांग्लादेश का बाइकॉट करेगा, बांग्लादेश के हर एक इकोनॉमिक से ना बाइकॉट करेगा। हमको हिंदुनिज्म से कोई दुश्मनी नहीं, यहूद हमारा दुश्मन है, दज्जाल हमारा दुश्मन है, ठीक है, हिंदुनिज्म हमारा दुश्मन नहीं है। इनको ना, इन कातिलों को और इन जुल्मी कार्यों का बाइकॉट करो। मैं नदीम खान, बाबा खान, मैं हिंदू भाइयों के साथ हूं बांग्लादेश के। अगर जुल्म किया है तो खालिद बिन वलीद को याद करो और सुल्तान सलाउद्दीन को याद करो जिन्होंने हिंदुनिज्म की मदद की थी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। रो रही है, बिलख रही है, उसके घर को फूंक डाला है, आग लगा दी है महिला के घर में। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बांग्लादेशी हिंदू जो डर और खौफ के साए में भारत लौट कर आए हैं। उनसे हमने बात की, सुनिए जो उन्होंने मंजर देखा है, जो हालात देखे वो बयां कर रहे हैं। काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मतलब हमारे घर के सामने भी काफी ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे तो काफी घबराहट तो हो रही थी हमें भी। एंड अदर देन दैट रात को अचानक से गोलियों की आवाज आ रही थी, देन मिसाइल्स वगैरह की भी आवाज आ रही थी। फिर मंदिर वगैरह का भी काफी पता चला, वहाँ बहुत सारे मंदिर वैंडलाइज हुए, ट्रैश्ड हुए। स्थिति तो ठीक नहीं है अभी वहाँ पे, इंडियंस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है वहाँ पे और इसमें थोड़ा समय लगेगा। भारत सरकार इसमें पूरी सहयोग कर रही है कि कैसे वहाँ पे जो फंसे हुए भारतीय नागरिक हैं उनको निकाला जाए। बहुत ज्यादा टॉर्चर भी हो रहा है, मतलब आदमियों के साथ नहीं लेकिन मंदिरों को कहीं कहीं पे तहस नहस कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिए हैं। कहीं कहीं तो सुनने में आया है कि गाँव में मंदिरों को जला भी दिए हैं, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही। सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, उसके लिए ज्यादा परेशानी है, चल रहा है मतलब उतना। बांग्लादेश में 300 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी गई है, उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। और ये वही हिंदू हैं जो भाईचारे के नाम पर बांग्लादेश में रुके थे। जिस इस्कॉन मंदिर ने बांग्लादेश पर जब जब आपदा आई वहाँ की सरकार को डोनेशन दिया, वहाँ के लोगों को मुफ्त में भोजन दिया, उसी इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। जगन्नाथ मंदिर और जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उन सेक्युलर हिंदुओं से कि जो आज मेरे देश में बैठकर भाईचारे की बात कर रहे हैं वो आज मौन क्यों हैं? और मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम तो शुरू से अपने धर्म के लिए इन कट्टरपंथियों के खिलाफ बोलते आए हैं, क्योंकि हम हर तरीके से लड़ने में सक्षम हैं। पहला वार उन्हीं पर होगा जो नजदीक होंगे, हम पर नहीं। मैं अपने हिंदू भाइयों से ये विनती करना चाहूँगा